ओम वंदे मातरम। मित्रों, फैशन क्या है? पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में प्रश्न चल रहा था कि फैशन क्या है। मैंने देखा लोग टेढ़े मेढ़े कपड़े पहनते हैं, वो फैशन है। नहीं, वो फैशन नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ट्रेंड बदलता नहीं, हमेशा टेढ़े मेढ़े कपड़े ही पहने जाते, कोई अच्छे कपड़े या कोई सही कपड़े नहीं पहनता, पर ऐसा मुझे नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि फैशन क्या है, तो सोचा तो फिर समझ में आया कि फैशन वो है कि जो लोग नयापन दिखाना चाहते हैं, मतलब कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, वो फैशन है। फिर लगा नहीं, फैशन ये भी नहीं है कि यदि ये फैशन होता तो बहुत से लोग कुछ नए काम करते हैं पर वो हमेशा चलन में नहीं आते, मतलब ये फैशन नहीं है। फिर एक दिन कुछ देख रही थी मोबाइल में, देखो कि मेरा टीवी नहीं है, मोबाइल में देख रही थी, तो बीच में विज्ञापन आया। आप देखते हमारे वीडियो के बीच में भी विज्ञापन आते हैं क्योंकि हमारी इनकम उसी से होती है। तो जब विज्ञापन आया तो मैंने विज्ञापन में कुछ ऐसी चीज देखी जिससे मुझे लगा कि ये फैशन है, और वो कन्फर्म पता चला कि हाँ वही फैशन है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने विज्ञापन में देखा, विज्ञापन में क्या देखा, एक विज्ञापन था कि आप ये क्रीम लगाइए और आप बैकलेस पहन सकते हैं। मित्रों, बैकलेस पहनने की जरूरत क्यों है? क्या वाकई बैकलेस पहनना चाहिए? पर वो क्रीम बता रही है कि आपको बैकलेस पहनना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी क्रीम बेचनी है इसलिए बैकलेस पहनना चाहिए। वैसे ही उसकी बात समझ में आया कि जब किसी व्यापारी को या किसी कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में छापना होता है, अपना व्यापार करना होता है, वो एक डिमांड खड़ी करता है लोगों के दिमाग में, क्या ये करेंगे तो आप लोगों से अलग दिखेंगे, लोगों से अच्छे दिखेंगे, आप ऐसा होंगे वैसे होंगे, और वो फैशन है। आप देखिए, क्या आप यदि अलग लगना चाहते हैं, आप सारे लोग पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं, आप धोती कुर्ता पहन के निकलिए, क्या ये फैशन नहीं हो गया, ये अलग नहीं हो गया? बट आप वो फैशन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ शिखा रखी जाती थी यहां पर, वो फैशन नहीं है, लेकिन बीच में चलन लगा था लड़कों के यहां चोटी रखने का, वो फैशन है। क्या है फैशन? फैशन एक ऐसी स्थिति है जहां मात्र लोगों के मन में, मस्तिष्क में कुछ चीज ठोंक ठोंक के डाली जाती है कि आप ये करोगे, आप ऐसे होगे, आप ये करोगे तो आप कुछ अच्छे और उन्नत और मॉडर्न दिखोगे, और इस मॉडर्न दिखने की चाह में लोगों ने आज जो चीजें अपनाई है फैशन के रूप में, जो चीजें अपनाई जा रही है वो इतनी खराब और इतनी वाहियात हो जाती है कि आप समझ नहीं पाते कि वाकई फैशन आपको दे क्या रही है। क्योंकि फैशन क्या दे रही है, मैं आपको वो भी बता दूं। आज हम देखते हैं लड़कियां कुछ कपड़े ऐसे पहनती हैं जो कई बार वो पहन के चलने में भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, उनको चलते तक नहीं बनता, हील वाली सैंडल पहन ले, गिरने के खतरे लगते हैं, फिर भी पहनेंगी, क्यों? मॉडर्न है। टाइट कपड़े पहन ले, उतारने के बाद ऐसा लगता है मानो के बस शरीर से पहले चमड़ी सांस ले पा रही है, पर फैशन है, पहनेंगे। छोटे कपड़े, अब ट्रेन में, बस में, कहीं जाओ बैठते नहीं बनता है, पर वही पहनेंगे, क्यों? फैशन है। तो मित्रों, फैशन क्या है? बड़ा आसानी से समझने वाला विषय है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप किसी का मार्केट बढ़ाते हैं या अपनी सुविधा देखते हैं, दोनों आपके ऊपर है। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम समाज में करना चाहते हैं पर लोग समझेंगे तब हम चीज आगे कर पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो परेशान तो हो ही रहे हैं, होते रहिए, कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपकी इच्छा है, और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आपको हमसे बात करनी है और कोई सलाह लेनी है, कोई मशवरा लेना है, तो वैसे तो हम नंबर आपको दे रहे हैं, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पहले अपने प्रश्नों को रखिए, अपने नाम, उम्र और आप क्या करते हैं वो बताइए समस्या के साथ में, और यदि बात करनी तो उसके लिए आपको कंसल्टेंसी की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो नंबर है 70 82 77 1878 70 70 82 77 1878। तो ये नंबर है, इस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ये हमारे सहयोगी का नंबर है। धन्यवाद। वंदे मातरम।